रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद अरोरा और आप सभी लोग देख रहे हैं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से बहुत फास्ट कैसे निकालेंगे, आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्वायर निकालना कैसे निकालना है, बहुत प्रेम से ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगा और आप इसका आंसर, किसी भी संख्या का स्क्वायर आप बहुत आसानी से सिंपल तरीके से कम समय में निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो अगर हम एक संख्या यहाँ पर हमने ले लिया, एक संख्या हमने ले लिया 103। अगर हमने ले लिया दोस्तों 103 और आपसे पूछा जाए इसका स्क्वायर क्या होगा, कहने का मतलब इसका वर्ग क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे देखिएगा। 103 का स्क्वायर निकालने का मतलब यह है दोस्तों, 103 का गुणा आप दो बार करेंगे, 103 गुणे 103 करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा ही इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें इतना बड़ा काम नहीं करना है, हम इसका ट्रिक बताएंगे, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं और इस ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। करना क्या है देखिए, आपको आधार 100 मानना है, मतलब यह 103 100 के आसपास है, आप 100 आधार मान लेंगे। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है, 3 का कर देंगे स्क्वायर। क्या कहेंगे मित्रों, 3 का कहेंगे स्क्वायर। जब 3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आप स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आप ये 9 नहीं 2 अंक में लिखेंगे, तो 9 को 2 अंक बनाने के लिए आगे एक जीरो लगा देंगे, तो अब 2 अंक में हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 09। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? अब देखिए 100 से 3 ज्यादा है तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। क्या हो जाएगा 106। बस यही इस संख्या का स्क्वायर है, आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं, आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर लिया तो पक्का गारंटी है कैलकुलेटर से भी फास्ट आप स्क्वायर निकालेंगे। आइए अगला समझते हैं। जैसे हमने एक और सवाल ले लिया, अगर मान के चलिए यहाँ पर हमने ले लिया 107, 107 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो फिर वापस से आप आधार 100 मानेंगे, क्योंकि 107 लगभग 100 के आसपास है, इसका आधार 100 मान लेंगे। ठीक, 100 से कितना ज्यादा है तो 7 ज्यादा है, 7 का करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 क्या है 2 अंक में है, तो इसमें 2 अंक बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर 49 लिख देंगे, 49 लिखेंगे। उसके बाद 7 से 100 जो है कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है 100 से, 107 7 ज्यादा है, तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। बस दोस्तों यही इसका स्क्वायर है, यही क्या है इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। बात को आप समझ पा रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप अब निकाल पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक करके बताइए, लाइक करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे समझते हैं और अगला एक और हम संख्या लेते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया 112 हमने ले लिया, 112 का बताइए दोस्तों 112 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए 112 का स्क्वायर जरा बताएंगे कितना होगा। वापस से वही काम करेंगे, 100 आधार मानेंगे, यानी इसका बेस क्या है 100 है, 100 से ज्यादा कितना है तो 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 144 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, तो यहाँ पर आप 44 लिखेंगे और एक हासिल लिखेंगे। ठीक है, 44 लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, हासिल लिखेंगे 44, क्योंकि हमेशा 2 अंक में लिखना है, यहाँ तो 3 अंक हो गया ना, जब 3 अंक हो गया तो एक जो है यह हासिल हो जाएगा, 44 यहाँ पर लिखा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 112 100 से 12 ज्यादा है तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, 124 और ये जो हासिल आपने लिया है इसको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 144 इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 125 44 इस संख्या का स्क्वायर होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप लोग कैलकुलेटर से फास्ट निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, जल्दी से आप लोग हमें बताइए क्या आप कैलकुलेटर से फास्ट इसको निकाल पा रहे हैं,
कि नहीं निकाल पा रहे हैं, एक बार हमें जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे फिर समझते हैं। अभी अभी तक हमें हम जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम मानते हैं, अगर दोस्तों हमने यहां पर ले लिया कि जरा बताइए दोस्तों, 115 का स्क्वायर जरा बताएंगे कितना होगा। 115 का जरा स्क्वायर बताएंगे दोस्तों, 115 का स्क्वायर हो कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा और जल्दी से बताइए कि इसका स्क्वायर कितना होगा। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो इसका आप लोग आंसर हमें बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर कितना होगा, 115 का स्क्वायर क्या होगा। शाबाश दोस्तों, आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, जो लोग नहीं समझे एक बार फिर समझिए, जो लोग नहीं समझे हैं एक बार फिर समझिए। 115 का स्क्वायर करना है तो एक हम आधार क्या मानेंगे, 100, बेस क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, यानी 115 किसके आसपास है, 100 के आसपास है। तो 100 से ज्यादा कितना है, 15 ज्यादा है, 100 से 15 ज्यादा है तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या होता है दोस्तों, 225 होता है 15 का स्क्वायर। दो अंक लिखेंगे यानी 25 लिखेंगे और ये जो दो है यह आप हासिल ले लेंगे, ठीक है, यह आपका हासिल हो जाएगा। 115 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 115 में 15 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा और दो जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 132, यानी 132-25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अभी तक हमने क्या सीखा कि जब आधार 100 हो यानी 100 के आसपास हो तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, और इसमें प्रैक्टिस करते हैं, आइए और हम सवाल लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों और सवाल लेते हैं। जैसे अगर हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, मित्रों जरा बताइएगा 98 का स्क्वायर कितना होगा, 98 का स्क्वायर बताएंगे फटाफट कितना होगा। अब देखिए अभी तक क्या था, 100 से ज्यादा था, लेकिन इस बार क्या है, 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है, आधार अभी हमने 100 माना है क्योंकि 98 100 के ही आसपास है, 98 क्या है, 100 के ही आसपास है, तो 98 का स्क्वायर जरा बताइए कितना होगा। 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन हमेशा 2 अंक में लेना है तो आगे 0 बढ़ा देंगे, यहां पर 0 4 हो जाएगा। ठीक है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 घटाएंगे, 98 में से 2 का 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 96, 96 0 4 98 का स्क्वायर हो जाएगा, 96 0 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप बताइए कैलकुलेटर से फास्ट आप निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, कैलकुलेटर में जब तक लिखेंगे तब तक आंसर आपका सामने हो जाएगा। ठीक है, आइए और जानते हैं और समझते हैं। देखिए अगर हमने ले लिया दोस्तों, यहां पर हमने ले लिया 89 का जरा स्क्वायर बता दीजिए, 89 का जरा स्क्वायर बताएंगे, 89 का स्क्वायर कितना होगा, 89 × 89 करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना निकल के आएगा। देखिए 100 के आसपास 89 है, 100 से लेकिन कम है, कितना कम है दोस्तों, 11 कम है, 100 से कितना कम है, 11 कम है, 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का जरा स्क्वायर करिएगा, अगर इस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, लेकिन आपको दो ही अंक लेना है तो 21 यहां पर लिखेंगे, 21 लिखेंगे और एक जो यह है यह तो हासिल हो जाएगा। ठीक है, 189 कितना कम है, 100 से 11 कम है, तो इसमें से आप 11 घटाएंगे, 11 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 7 78 हो जाएगा, 78 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 79 21 इसका उत्तर होगा। 21 जो है 89 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या अब हमारी बात को आप लोग समझ गए, क्या आप लोग अब समझ गए कि आपको स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, यह है इसका बेसिक ट्रिक, ठीक, जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, और आपने शायद अभी तक ऐसा ट्रिक नहीं देखा होगा। ठीक है, आइए और समझते हैं और देखते हैं हम लोग। चलिए अभी आपने क्या देखा कि जब आप 100 के आसपास में हैं, कोई संख्या 100 के आसपास है तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दो कंडीशन हो सकता है, या तो 100 से ज्यादा होगा संख्या या फिर 100 से कम होगा, दोनों हमने बता दिया, आप लोगों ने समझ लिया। ठीक, अब हो सकता है वह है
बहुत कम हो, लगभग वह 50 के आसपास हो सकता है, यानी हम 50 बेस मान के भी लगा सकते हैं। देखिएगा 50 बेस मान के लगाएंगे कैसे, जैसे दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि जरा बताएंगे 56 का स्क्वायर कितना होगा, 56 का स्क्वायर जरा बताएंगे एक बार कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 56 × 56 करेंगे, क्या करेंगे, 56 × 56 करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा तब आप स्क्वायर बताएंगे, लेकिन इतना काम नहीं करना है, करना कितना है देखिएगा। हमने इस बार इस 56 को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी कि भैया यह तो 50 के आसपास है, और जब 50 के आसपास है तो बेस क्या मान लेंगे, 50 मान लेंगे, बेस को 50 मानेंगे, और 50 बेस मानेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर भैया 36 होता है। यहाँ पर हमेशा स्क्वायर दो अंक में लिखना है, इसमें दो अंक है ही, कोई दिक्कत नहीं, 36 लिख दिए। अब 50 से ज्यादा कितना है, 50 से ज्यादा 6 है, तो 56 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 56 में जब 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा यह 62, क्या होगा 62, लेकिन हमने आधार 50 माना है तो बटे 2 कर देंगे, 62 के बटे 2 करेंगे तो यानी हो जाएगा 31, 2 से भाग देंगे क्या होगा 31, तो यहां लिखेंगे 31 36 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग, 31 36 इस संख्या का 56 का स्क्वायर हो जाएगा, इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। और मैं लेता हूं क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए जरा बता देंगे 59 का स्क्वायर क्या होगा, 59 का स्क्वायर जरा बताएंगे एक बार, 59 का स्क्वायर कितना होगा, तो 59 का स्क्वायर निकालने के लिए 59 × 59 करेंगे। देखिए ट्रिक के माध्यम से समझिए, जो आपने इसमें ट्रिक लगाया है वही इसमें भी लगाएंगे, 50 बेस मानेंगे, 59 50 के आसपास है, ज्यादा है 50 से कितना, 9 ज्यादा है, तो 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, स्क्वायर हमेशा दो अंक में लेना होता है, यहां पर दो अंक में है ही, तो यहां से ले लेंगे 81। ठीक, 59 50 से कितना ज्यादा है 9, तो 59 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 68, 59 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 68 हो जाएगा, और 68 का आधा कर देंगे क्या हो जाएगा 34, तो 34 81 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 34 81 इस संख्या का स्क्वायर आ जाएगा, यानी जब 50 के आसपास संख्या होगी तो तब पर भी आप लगा सकते हैं 50 बेस मान के, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि संख्या 50 से कम हो सकती है, यहाँ 50 से ज्यादा है, हो सकता है कम भी हो जाए, तो कम हो जाए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन में लिख रहा हूं जरा बताएंगे 47 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर कितना होगा, इस बात को जरा बताएंगे आप सभी लोग, कमेंट करके बताएंगे कि 47 का स्क्वायर कितना होगा। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले दोस्तों हमने क्या किया था, हमने वर्गमूल बताया था और लास्ट में हमने 3 सवाल दिया था, तो रवि ब्लॉग जी ने आपने इस 3 सवाल का जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सवाल को सॉल्व किया है, तो मैं आशा करता हूं कि जो यह सवाल दूंगा उसका भी आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, उसका भी आप लोग आंसर करेंगे जो मैं सवाल दूंगा। चलिए 47 का जरा स्क्वायर बता देंगे कितना है, 47 का स्क्वायर कितना है इसका बताएंगे, 47 का स्क्वायर कितना है, देखिए 47 का स्क्वायर यानी 47 50 के आसपास है, कितना कम है 3, 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन दो अंक में लेना है तो आगे 0 बढ़ा देंगे, यहां लिखेंगे 09 09, 50 से कितना कम है 3 कम है, 47 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 44 44 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, 22 22 09 इसका उत्तर होगा, 22 09 इसका उत्तर होगा। ठीक है, 22 09 इसका 47 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलिए एक मैं क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए 29 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 29 × 29 करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना निकलेगा यानी वर्ग कितना होगा। देखिएगा 50 के आसपास है लेकिन 50 से कम है, कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। यहां पर आपको दो अंक लिखने हैं, बाकी जो एक अंक यह बच रहा है यह एक जो है हासिल हो जाएगा। ठीक है,
12 कम है तो 12 घटाएंगे इसमें से, 12 कम है 50 से तो 12 घटाएंगे क्या हो जाएगा, यहां से बचेगा 6 2 यानी 26 हो जाएगा। 26 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 13, 26 का आधा करेंगे क्या होगा 13, और प्लस हासिल एक है तो हो जाएगा 14, 13 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी 14 44 34 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप समझ गए कि आप जब 100 के आसपास हो तब कैसे निकालेंगे, 50 जब बेस हो तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले एक क्वेश्चन मैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर इकाई का अंक 5 है तो स्क्वायर निकालना और भी आसान है। जैसे मान के चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि जरा बताएंगे 95 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो 95 × 95 करेंगे, तो ऐसे नहीं करना 95 × 95। इसका ट्रिक क्या है इसको समझिए, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 9 के जस्ट बाद क्या आता है 10, तो 9 × 10 करेंगे 9 × 10 = 90, 9 × 10 में क्या हो जाएगा 90, यानी 90 × 25 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब इकाई का अंक 5 रहेगा तो ऐसे इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे एक और देखिए, जैसे मान के चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 75 का स्क्वायर क्या होगा, 75 का स्क्वायर अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये 7 जो है 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो 7 × 8 करेंगे तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा, यहां से लिख देंगे 56 25, 75 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इकाई का अंक 5 है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और आप किसी भी संख्या का स्क्वायर भी निकालने में सक्षम हो गए होंगे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, अगर अब उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। चलिए मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं और उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें आंसर बताइएगा। चलिए, देखिए दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहला क्वेश्चन है 85 का स्क्वायर कितना होगा, 85 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 116 का स्क्वायर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 94 का स्क्वायर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है 58 का स्क्वायर कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन है इसमें देखिए, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों 49 नहीं, यहां पर लिखिए 46 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। 5 क्वेश्चन हो गए, इन 5 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। एक और लिखिए छठवां, चलिए ठीक है, एक और लिखिए छठा क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे जरा इसमें 117 का स्क्वायर क्या होगा। आपके सामने 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।